हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई तंगड़ी कबाब की रेसिपी। आज इसे हम बनाएंगे दो तरीके से, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है और दूसरा जैसे दिल्ली जामा मस्जिद साइड में सर्व किया जाता है, बहुत सारी मलाई और मक्खन के साथ। तो आप एक ही रेसिपी को दो तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप इसे एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं। चिकन मलाई तंगड़ी कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे चिकन ड्रमस्टिक्स। ये 8 से 9 पीसेस है, ऑलमोस्ट 1 kg के अराउंड ये चिकन ड्रमस्टिक्स है। चिकन को मैरिनेट करने से पहले सबसे पहले हम चिकन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें जो भी ऑफ स्मेल है वो खत्म हो जाए। इसमें हम सबसे पहले पानी ऐड करेंगे और पानी आपको इतना डालना है जिसमें सारे चिकन ड्रमस्टिक्स आसानी से डिप हो सके। अब इसमें एक ढक्कन भरकर हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे चिकन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऑलमोस्ट सारा इसका ब्लड आसानी से निकल जाता है। और विनेगर में चिकन को डिप करने से चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हम चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। सबसे पहले जार में हम 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे, जितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप इसमें मिर्ची ऐड करें। एक छोटा टुकड़ा हम इसमें अदरक का ऐड करेंगे, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, एक बड़े साइज़ के नींबू का रस, इसको आप एकदम बारीक पीस लें। अब इसमें काजू ऐड करेंगे जिसको मैंने पहले से भिगो के रखा था, ये 15 से 16 पीस है काजू के। आप सारी चीज़ें एक साथ पीस सकते हैं, ज़रूर नहीं उसको अलग अलग करके पीसना है। आप इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लें और इसमें मुश्किल से 1 से 2 टेबलस्पून ही आपको पानी डालना है, पानी कम से कम यूज़ करना है। चिकन भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है। आप इस पानी को निकाल दें और साफ पानी से 1 से 2 बार उसको अच्छे से धो लें। अब चिकन ड्रमस्टिक्स में आपको कट्स लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक अच्छे से चली जाए और चिकन भी अच्छी तरीके से पके। चिकन लेग पीस के ऊपर वाले पार्ट में भी आपको कट लगाना है, पूरा राउंड में आप पूरा गोल कट लगा लें और इसमें से एक धागा सा निकलता है जिसको टेंडन कहते हैं, इसे आप रिमूव कर दें। जब भी आप चिकन तंगड़ी कबाब बना रहे हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि छोटे साइज के आप ड्रमस्टिक्स लें, वो ईजिली कुक हो जाते हैं अगर आप इसे पैन में पका रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं। अब इसमें हंकर्ड ऐड करेंगे, ये 3 टेबलस्पून हंकर्ड है जिसमें से पूरी तरीके से पानी निकला हुआ है। मैंने इसे छन्नी में डाल के रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए और इसमें से सारा पानी रिमूव हो चुका है। अब इसमें हम काजू और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो भी ऐड करेंगे, ये भी 3 टेबलस्पून के करीब है। एक टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आप इसे ज़रूर ऐड करें, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक, आधा छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जायफल ऐड करेंगे, जायफल का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 पार्टी इसमें आपको ऐड करना है क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही डालना है। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालेंगे, मैं यहाँ पर धनिया के स्टेम यूज़ कर रही हूँ, आप बाकी वैसे नॉर्मल जो धनिया आता है पत्ते के साथ वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम भुने हुए चने का पाउडर बना के डालेंगे, इसकी जगह आप 1 चम्मच बेसन या आप इसमें कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। इन तीनों में से आपके पास जो भी चीज़ है उसमें से कोई भी एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। मैरिनेशन बिल्कुल आपको इसी तरीके से करनी है कि चिकन के सारे पीसेस अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अब चिकन को हम ग्रिल करेंगे तो पैन में आप इस तरह से दूर दूर करके इसे सेट कर दें। चिकन ड्रमस्टिक्स अगर आप मीडियम साइज के ले रहे तो आप इसको इस तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। अगर आप चिकन ड्रमस्टिक्स थोड़े से बड़े साइज़ के यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे नॉनस्टिक पैन में ढककर पकाएं, इससे चिकन अंदर तक पकेगा और जल्दी भी पकेगा। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिया, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से चिकन को पका सकते हैं। इस टाइम पे मैंने गैस फ्लेम को एकदम लो रखा है और लो फ्लेम पर ही आपको सारा चिकन पकाना है। चिकन को पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इसको आप जल्दी जल्दी ना पलटे, इसकी मैरिनेशन निकल जाती है, तो थोड़ा सा गैप देके थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही आप इसको टर्न करें।
चिकन के दोनों साइड में आपको थोड़ा सा बटर लगाना है। बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके पहले से ही रख लिया था। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके जगह रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, मैरिनेशन इसकी अभी तक ड्राई नहीं हुई है, तो हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। जब आप चिकन को ग्रिल करते हैं तो मैरिनेशन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, चिकन के ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग आ जाती है। और अगर आप पैन में पकाते हैं तो चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, पर मैरिनेशन को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे अब खोलकर थोड़ा सा तेज आंच में पकाएं ताकि इसकी मैरिनेशन पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। तो पैन वाला चिकन भी हम एक ही जगह हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे ताकि इसकी जो मैरिनेशन है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। अब हम चिकन को डायरेक्ट फ्लेम पे पकाएंगे ताकि उसमें थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर आ सके। चिकन को स्टैंड पे रखने से पहले आप इस पे ऑयल जरूर लगाएं, नहीं तो चिकन बहुत जल्दी इस पे चिपक जाता है। और इसको कितना रोस्ट करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पे भी रोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सारा चिकन रोस्ट करके रख लें। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा चाट मसाला लगा लें। अभी रेसिपी एंड नहीं हुई है, ये एक तरीका है जो एकदम ड्राई खाना पसंद करते हैं, एज अ स्टार्टर इसे खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे चटनी और प्याज के साथ खा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है चिकन को सर्व करने का, इसे हम एक डिप के साथ कोट करेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। आपको एक बोल में सारा रोस्टेड चिकन ऐड करना है। अभी मैं सिर्फ 2 पीसेस ही बता रही हूँ आपको। अब इसमें हम थोड़ी सी मैरिनेशन ऐड करेंगे, वही मैरिनेशन है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद आप इसे चटनी और प्याज के साथ सर्व करें। ये एग्जैक्टली सेम तरीका है जैसे दिल्ली जामा मस्जिद साइड में चिकन मलाई तंगड़ी कबाब को सर्व किया जाता है, और ये खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। आप इसे तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर। If you like the video, like, share and subscribe. Bye-bye and take care.